बाबा साहब अम्बेडकर हो या महात्मा गांधी हो, इस देश के हर महापुरुष ने ये सदा कहा है कि हमें समाज सेवा करने की प्रेरणा ज्योतिबा फुले से मिली थी। इतना बड़ा योगदान और उनकी अपनी भर जवानी में उन्होंने ज्योतिबा ने काम शुरू किया था, समाज के लिए समर्पित थे। और जब 1857 का स्वतंत्र संग्राम हुआ देश में, तब उन्होंने ये जो नींव डाली थी, उस नींव ने महाराष्ट्र की धरती पर एक नए शौर्य के दर्शन कराए थे, नई शक्ति के दर्शन। उनसे प्रेरणा लेकर के आज पूरे देश का माली समाज अपनी नई पीढ़ी को तैयार करने का संकल्प करे, तब शिक्षा उसकी सबसे सर्वोपरि व्यवस्था होगी। जिस समाज में ज्योतिबा फुले पैदा हुए हो, जिस देश में ज्योतिबा फुले पैदा हुए हो, 200 साल पहले सविताबाई जैसी मां समाज जागरण के अंदर उस समय भी मैदान में ज्योतिबा के साथ रहती हो, क्या उस समाज में, उस देश में आज भी महिलाओं को, माताओं को, बहनों को लिखाना, पढ़ाना, शिक्षित करना ये हमारी प्राथमिकता है क्या? यहां बहुत सी ऐसी माताएं बैठी होगी, अगर मैं पूछूंगा कि आपकी कोई पढ़ाई हुई है, बहुत सारी माताएं हाथ ऊपर करेगी, नहीं, हमें वो सौभाग्य नहीं मिला। उनको शर्मिंदगी महसूस। गुजरात सरकार ज्योतिबा फुले की स्मृति में आज भी समाज सेवा में रत लोगों को अनेक अवार्ड देती है, विशेष सिद्धियां प्राप्त करने वालों को अनेक अवार्ड देती है। 50-50 हजार, 25-25 हजार रुपए के इनाम आज गुजरात सरकार ज्योतिबा के नाम है और सविता माई के नाम पर आज गुजरात के नौजवानों को देता है, क्योंकि ऐसे महापुरुषों ने जो काम किया है, उस काम से सदा सर्वदा नई पीढ़ी को प्रेरणा मिले, उस दिशा में हम काम करें।